कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर की घटना के विरोध में रेसिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल का शनिवार को आठवां दिन है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी 24 घंटे के लिए अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चालू रखने की बात कही। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टर से हड़ताल खत्म करने को कहा। मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि डॉक्टरों की मांग को लेकर कमेटी बनाई जाएगी। सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों से भी सुझाव मांगे जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के इस फैसले के पहले आईएमए चीफ ने शनिवार को कहा कि इमरजेंसी सेवाएं छोड़कर अस्पतालों में कामकाज बंद है। हमारी मांग है कि डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। हमने ऐसा कुछ नहीं मांगा जो सरकार नहीं कर सकती। दरअसल 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या की गई थी। 14 अगस्त की देर रात इसी अस्पताल में हिंसा हुई। इसके बाद आईएमए ने देश भर में प्रदर्शन का फैसला किया। इसी को देखते हुए चंद्रपुर में आक्रोशित डॉक्टर्स और मेडिकल वर्कर्स को लेकर वंचित बहुजन युवा अघाड़ी चंद्रपुर ने भव्य प्रदर्शन किया, जिसके माध्यम से इस घटना का विरोध पूरे जोरों से किया गया और आरोपियों पर गंभीर कार्यवाही की मांग भी रखी गई है। कोलकात्यावरून झालेल्या कोलकात्याची जे डॉक्टर महिला आहे, पीडित महिला 31 वर्षाच्या डॉक्टर मुलीवर बलात्कार आणि अत्याचार करून तिला ठार मारण्यात आलेले आहे। या घटनेचा तीव्र निषेध नोंदवण्यासाठी वंचित बहुजन युवा आघाडीतर्फे आज भव्य निदर्शने करण्यात आली आहे। ही अत्यंत लाज्यास्पद आणि निंदनीय गोष्ट आहे की बेटी पढाओ बेटी बचाओ योजना जी केंद्र सरकारनं चालू केली आहे, वारंवार होत असलेल्या महिलेंवर अत्याचार आणि मुलींवर होत असलेला अत्याचार हे कधी थांबणार? आज मुलगी कुठेच सुरक्षित नाही आहे। आज वैद्यकीय महाविद्यालयाची अशी परिस्थिती असताना वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये मुलीला आपण शिक्षणासाठी पाठवतो, बाहेर देशात पाठवतो, बाहेर राज्यात पाठवतो, परंतु मुलींवर हा अत्याचार केव्हा थांबणार? केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय, पश्चिम बंगालची ममता सरकार यावर काय बोलणार, काय ॲक्शन घेणार? सीबीआय चौकशी करता येईल, पुरावे नष्ट करण्याची हा परिणाम आहे। एक प्रकारे हा मुद्दा लपवण्याच्या प्रयत्नात आहे, परंतु निर्भया ते कठुआ असो या उन्नाव ते कोलकात्यापर्यंतचा असो, या मुलींवर होणारा बलात्कार थांबलेला नाही। वारंवार घडलेल्या घटना हे निदर्शनात दाखवून देत आहे की मोदी सरकार हे सपशल फेल झाले आहे। शेम टू अवर गव्हर्नमेंट। याविषयी वंचित बहुजन आघाडीतर्फे, वंचित बहुजन युवा आघाडीतर्फे आता भव्य निदर्शने करण्यात आले आणि भविष्यात सुद्धा वंचित बहुजन युवा आघाडी महिलांसोबत आहे, मुलींसोबत आहे। मुलींकरिता सुवर्ण संधी महाराष्ट्र शासन द्वारा संचालित मुलींची शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था
चंद्रपूर सादर करीत आहे खास एसएससी पास मुलींकरिता एक व दोन वर्षीय अभियांत्रिकी व बिगर अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम. एक वर्षीय बिगर अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम मध्ये शिका ड्रेस मेकिंग, फळे व भाज्या संस्करण, मेकर अँड कन्फेक्शनर, सेक्रेटरियल प्रॅक्टिस इन इंग्लिश. तसेच दोन वर्षीय अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम मध्ये शिका इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मेकॅनिक, इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी सिस्टीम मेंटेनन्स. आणि फक्त एसटी म्हणजेच आदिवासी अनुसूचित जमाती उमेदवारांसाठी एक वर्षीय बिगर अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम मध्ये शिका कॉस्मेटोलॉजी, ड्रेस मेकिंग, कटिंग अँड सुईंग, कम्प्युटर ऑपरेटर अँड प्रोग्रामिंग असिस्टंट. ऑनलाइन फॉर्म भरण्याकरिता या वेबसाईटचा वापर करू शकता. तसेच आमच्या संस्थेत सुद्धा आपले ऑनलाइन फॉर्म निशुल्क भरून दिले जातील. आयटीआय मुलींची इथे 10 ट्रेड आणि 12 युनिट आहे आणि शासनाच्या विविध योजना इथे राबवल्या जातात. मुलींची शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था चंद्रपूर, सिव्हिल लाईन्स, जुना वरोरा नाका, जिल्हा चंद्रपूर.